पासवान समाज के द्वारा होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मनिका प्रखंड मुख्यालय स्थित टाउन पर सोमवार दिन को पासवान होली मिलन समारोह कार्यक्रम के मौके पर दुगला का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड पलामू के उभरते हुए विख्यात व्यास राम गोपाल पासवान बनाम व्यास गुड्डू दुबे ने प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पासवान समाज के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पासवान ने फीता काटकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र पासवान ने कहा कि दुगोला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे आपसी एकता बनती है। उन्होंने कहा कि गीत संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है और इसे बचाए रखने की जरूरत है। दुगोला में गीत संगीत के माध्यम से लोक संगीत की परंपरा कायम रहती है, इससे सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। झारखंड पलामू के उभरते हुए विख्यात दोनों वर्ष व्यासों ने एक से बढ़कर एक सिंगर गायन और होली गीत की प्रस्तुति की। दोनों व्यास ने एक दूसरे को हराने के लिए पूरी ताकत झोंकी। वहीं हजारों हजारों की संख्या में दर्शक दुगोला कार्यक्रम का आनंद उठाते रहे। आयोजन समिति के द्वारा अतिथियों एवं पत्रकार बंधुओं को अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मौके पर लातेहार पासवान जिला अध्यक्ष कन्हाई पासवान, मनिका पासवान, बीस सूत्री प्रखंड अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान, पूर्व मुखिया संजय सिंह, पूर्व बीओ जयशंकर राम, विधायक प्रतिनिधि दरोगी यादव, समाज सेवी बलि प्रसाद यादव, टीचर द्वारिका राम, मनिका मुखिया सतेंद्र सिंह, समाज सेवी विशाल पासवान, शंभू पासवान समेत हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे।